गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनोद राजपूत फिर से आपका सेंटर डेडी। आज हम आपका प्राइमरी लेवल लेके आए हुए हैं, जहाँ पर प्राइमरी लेवल में एक आपका बहुत ही अच्छा सा सवाल आता है कि मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वहाँ पर आपका यूनिट्स नंबर और टेंस नंबर की बात होती है। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करूँ, आपका एक क्वेश्चन है जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका 5372 मल्टीप्लाई बाई 1493 में 4 के गुणनफल के इकाई यूनिट्स नंबर इकाई और ढाई टेंस नंबर ढाई अंकों का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, क्या होगा। आप देखिएगा, जो हमने एक आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपसे ये बोला है कि आपको एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, उसके कहने का तात्पर्य कि गुणा करने के बाद जो आपकी डिजिट आए उस डिजिट में इकाई और ढाई का योगफल क्या होगा, उसका इकाई अंक और ढाई अंक का जोड़कर आपको बताना था। क्योंकि मैंने सवाल देखा, मेरी सवाल एक लेंदी प्रक्रिया में जा रहा था, क्योंकि इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो टाइम टेकन था, चूँकि कैलकुलेट हमें केवल इकाई और ढाई अंक से मतलब है। तो जब आपका इसमें निकाला तो आपको ध्यान रखना है कि इनके दोनों के लास्ट वाले दो दो अंक लिख लेते हैं, 72 और 93 लिख लिया, कैलकुलेट करना है। ज़रा एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 6 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आपका 21 यानी कि 1 लिखा जाएगा। कैरी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका इस वाले का यहाँ गुणा करेंगे, जब इस वाले का यहाँ गुणा किया तो 18 आया, 18 का एक आपका कैरी था वो आपको छोड़ देना है। मुझे चूँकि बंस और आपका टेंस के मतलब था तो इसका हमने इकाई अंक देखा तो 6 और ये आपका 9 हुआ। और अगर मैं देखूँ, उसने ये कह रखा है कि इकाई यानी यूनिट्स नंबर और उसका योगफल बताना था, एडिशन आपको पूछा हुआ था, तो आपका इकाई अंक आपका 6 दे रखा है और टेंस नंबर आपका ये दे रखा है, तो टोटल आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका इस सवाल का आंसर हुआ। क्योंकि देखिएगा, अगर इसकी बेसिक प्रक्रिया अगर देखी जाए तो ये आपकी लेंदी हो जाएगी, क्योंकि आप 72 और आपका 14 आपका 93 पूरा गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका अंतिम अंक आपके ऑलरेडी यही आएंगे, आप करके देख लीजिएगा। और ये प्रक्रिया आपको एक बार फिर से हम समझा रहे हैं कि कैसे आपको करना है। देखिएगा, सवाल के अंतिम दो डिजिट क्वेश्चन आपके संख्या के डिजिट के और इसकी अंतिम दो डिजिटों को लिखने के बाद, चूँकि कैलकुलेट करना था यानी मल्टीप्लिकेशन करना था, तो आपका करने का तरीका यह है कि जब 3 का मैंने 2 से गुणा किया तो 6 आया, और 3 का इससे गुणा किया तो मेरा 21 और ये आया 1 लिखा। और इस वाली संख्या का पहले दोनों में गुणा होता है और पहले आपके इस वाली संख्या का केवल एक में गुणा करने के बाद कैलकुलेट करते हैं और आपका मान आ जाता है। एक नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर से आपकी सेम ऐसा ही सवाल, चूँकि सेम इसी प्रकार के सवाल आते हैं, चारों आपके संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल की, तो आपके सवाल है 1997 मल्टीप्लाई बाई 4437 एक आपके नेक्स्ट है, और यहाँ पर आपसे कहा है कि गुणनफल में इकाई और ढाई के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिएगा, आपका फिर से उसी तरीके का सवाल है जहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था इनकी अंतिम दो डिजिट और इसकी अंतिम दो डिजिट लिखेंगे, तो पहली वाली डिजिट के आपके अंतिम दो अंक हैं ये, और लास्ट वाली के अंतिम दो अंक हैं आपके 37। तो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि लास्ट वाली जो डिजिट है उसकी पहली दोनों संख्याओं में गुणा करते हैं, 77 जा आपका 49 की 9 आपका कैरी आपका 4 आया, और यहाँ से इसमें 63 आपका 63 और 7 जोड़ने अब 4 जोड़ने पर आपका 67 हुआ, कैरी छोड़ देंगे और आपका 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैरी आपका छोड़ देंगे और आपका यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये आपका 8 हो जाएगा। चूँकि एडिशन पूछा है, योग पूछा है यूनिट और आपका टेंस नंबर का, तो योगफल क्या हो जाएगा आपका 8+9 इक्वल आपका 17 आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर आ गया। चूँकि
इन सवालों में अक्सर आपको क्या करना होता है कि आपकी जैसे आपकी हंड्रेड्स नंबर्स की बात आ जाए यानी सैकड़े की भी बात आ जाए तो आप इसके भी तीन डिजिट और इसके तीन डिजिट ले लेंगे, सेम प्रक्रिया से आप गुणा कर देंगे और आपका इस टाइप का आंसर आपका, ये अक्सर आपके सेंट्रल टीडी के प्राइमरी लेवल में पूछे गए सवालों में से एक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि बात आती है कि अगर इस टाइप का है तो ये आपसे, ये ज़रूरी नहीं कि योगफल ही आपसे पूछे, हो सकता है आपका यहाँ पे वो कुछ और आपसे कहे, कि जैसे ही आपसे ये कहता है कि नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें तो यहाँ पर 3894 मल्टीप्लाई बाई 1868 कहता है कि इकाई और ढाई के अंकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा आपसे यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि आपको यहाँ पे बताना है उसको, तो उसने ये कहा कि आपको गुणा करके आपको बताना है, दिखाना है कि कैसे आपका होगा, तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। चूँकि आपकी इकाई और ढाई की बात हो रही है तो मैंने कहा कि अंतिम दोनों डिजिटों के नंबर लिख लेंगे, 6-8 हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस 8 का पहली दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे, 8 का जब इसमें गुणा किया तो 3 आपका 84 आपका 84 जा आपका 32 आपका कैरी 3 आया, और इसका जब इसमें 72 और 3 को ऐड किया तो 5 यानी 75 आया, कैरी को छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखना है मेरे को। अब इस 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका इसका जब गुणा किया तो मेरा 24, इसका ये कैरी से कोई लेना देना नहीं, इसे भी छोड़ देंगे, और आप एडिशन करेंगे 2 और आपका 9। चूँकि मैंने ऑलरेडी आपका सवाल में अगली संक्रिया का यानी मल्टीप्लीकेशन हमने पूछा है, मल्टीप्लीकेशन कैसे मल्टीपल होगा, तो आपको आपका इसका टेंस जो है वो आपका 9 है और आपका इकाई जो यूनिट नंबर है वो आपका कौन सा है, 2 है, इक्वल आपका 18 आया। कहने का तात्पर्य आज मैं फिर से आपको बात करता हूँ, बार बार मैं एक संक्रियाओं की बात करता हूँ, संक्रियाएँ आपकी चार प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है योगात्मक, योगात्मक मतलब योग, व्यवकलन, व्यवकलन मतलब आपका सब्ट्रैक्ट, गुणात्मक, गुणात्मक आपका मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट आपकी होती है भाग, भाग को डिवाइडेशन आपका, ये आपकी इन चार संक्रियाओं का, ये आपके पैडागॉजी जो गॉजी आपका यहाँ पे यूनिट है आपका उसमें अक्सर है आपका एक नंबर का सवाल पूछा जाता है कि संक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो संक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, आपकी चार प्रकार की होती हैं, और इन सवालों में इन चारों संक्रियाओं के रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी आपसे योगफल की बात करेगा, कभी आपके माइनस आपके व्यवकलन की बात करेगा, कभी आपका मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा, कभी आपका डिवाइडेशन की बात करेगा, परंतु वो प्रक्रिया एक अंतिम लाइन की बात करता है, पहली जो प्रक्रिया सीखनी थी वो आपको इस टाइप से ही करना था। ये आपका था एक यूनिट था इस टाइप का, आपका अक्सर सवाल पूछा जाता है। एक और आपका इसी में सवाल पूछा जाता है, देखते हैं हम आपको इसके अगले यूनिट की तरफ लेके चलते हैं कि कैसा है, और भी सवाल आपके इसमें कैलकुलेट में आते हैं। तो अगला सवाल है इसमें अगले सवाल की तरफ अगर चलते हैं तो आप देखिएगा इसमें जो अगला सवाल है वो आपका चल रहा है यहाँ पर कि 734 आपका 1 के अंकों को पलट कर पलट देने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर क्या प्राप्त होगा। अगला आपका सवाल लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, हमने लिखा 7341 आपकी एक डिजिट है, उसके अंकों को आपको पलट देना है, और पलट देने के बाद उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एक अंक का आपका सवाल आता है इसमें। तो आप ज़रा देखिएगा, संख्या जो मेरी मूल संख्या थी वो आपकी थी, मूल संख्या जो हमारी है, मूल डिजिट आपका, मूल संख्या जो है नंबर्स है वो हमारा है आपका 7341। उसने कहा इसके अंकों को पलट देना है, तो पलट दीजिए 1 4 3
सेवन, और उसने बोला है कि आपको अंतर बताना है का प्राप्त घटाने पर या का अंतर क्या होगा, ऐसे भी पूछता है। तो आपका 11 में से 7 गया तो आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा, 3 में से 3 गया तो आपका ये बचा, और आपका यहाँ पे 3 से नहीं जा रहा है तो आपने यहाँ पे 13 में से जब 4 जाएगा तो 9 आएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, तो आपका फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा। सिमिलरली आपके अगले सवाल की तरफ सेम इसी प्रोसेस में अगले सवालों को हम देखते हैं कि हमने जैसे आपका यहाँ पर अगला सवाल लिखा, मैंने लिखा कि आपका 4, 9, 3, 6 नहीं, यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या में अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, ये आपसे फिर से सवाल आपका नेक्स्ट सवाल है। सेम सवाल था कि उसने कहा एक डिजिट दिए है उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त जो संख्या है तथा उसके मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो हम मैंने आपको मूल संख्या की बात की, तो मूल संख्या आपकी क्या दे रखी है, मूल संख्या यहाँ पर आपकी जो दे रखी है वो आपका 4, 9 आपका 3, 2 दे रखी है। उसने कहा इसके अंक पलट देने हैं, मतलब 2 पहले 3 बाद में, उसके बाद 9 फिर आपका 4 आ जाएगा, और अंतर निकालना था। तो अंतर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको इस टाइप के सवालों को करने के लिए क्या करना था कि आपको आपका 12 में से आपका 4 जाएगा तो आपका यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे से आपका 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ से आपका 2 बचेगा, यानी फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सवालों में आपको अक्सर इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा रखा है कि जो जैसा बोला जाता है उसी पैटर्न पे आपको लगाना होता है। मैं अगले सवाल की तरफ, ये प्राइमरी लेवल में इस टाइप के सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और आपसे यही उम्मीद करता है कि वो आप कैलकुलेट आपकी कैसी है, आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल अगर इस टाइप का आए तो अगले सवाल में हम आपका चलते हैं, जहाँ कहता है कि आपसे कहेगा का मान किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इस टाइप का सवाल आपके कभी कभी प्राइमरी लेवल में भी पूछा जाता है, कभी कभी इस टाइप का जूनियर लेवल में पूछा जाता है, और अक्सर इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस सवाल की बात करें तो देखिएगा, जब आपसे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 4+ आपका ये आपका पूरा लिखा हुआ है, इसी प्रोसेस में लिखा हुआ है, उसने कहा इसका मान आपको बताना है किसके बराबर होगा। तो आप ज़रा एक बार गौर से देखिएगा इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सरल तरीका हम आपको सिखा रहे हैं कि आपका जैसे आपने ये लिखा तो आप 4 लिख लेंगे, 1 0 है, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका हो गया, 2 0 हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो आपका पीछे से हमेशा दशमलव काउंट किया जाता है तो ये मान हो गया। इसके बाद करते हैं 3 अंक है, 3 0 हैं तो 3 अंक बाद, यानी हमेशा आपको काउंट करना है किधर से, पीछे से काउंट करना है, ये आपका हो गया। 4 0 हैं तो 4 अंक बाद, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि पीछे से ही काउंट करना है, 3 0 और 1 आपकी ये डिजिट हो गई। बात आती है कि ये तो आपकी प्रक्रिया सही थी कि आपने ऐसे कर लिया, कि जिन लोगों को बहुत से लोग आपके होते हैं कि आपका आर्ट वर्ग होता है और आपका बायो वर्ग के बच्चे होते हैं तो उन लोगों को इन चीज़ों को जोड़ने में दिक्कत आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको बिल्कुल बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि कैसे इन सवालों को जोड़ना है और उसका प्रोसेस भी ध्यान में रखना है। जैसे देखिएगा कि इस वाली डिजिट में, पहली वाली डिजिट में कोई भी आपका दशमलव अंक का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आपका हाईएस्ट दशमलव अंक 4 अंकों तक गया। तो मैंने क्या किया कि जिस डिजिट में कोई दशमलव अंक का नहीं प्रयोग किया गया, दशमलव लगाने के बाद मैंने 4 0 का प्रयोग कर दिया, क्योंकि अंतिम जो डिजिट थी वो कहाँ तक गई थी, 4 अंकों तक गई थी। इसके बाद हमने क्या किया कि सारी दशमलव वाली पॉइंट दशमलव के सीध में ही रखनी थी। तो देखिएगा, मैंने पहला पॉइंट लिखा आपका ये,
दूसरा पॉइंट लिखा मैंने 0.04, ये तीसरा पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पर। आप अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट बसरते आप ना लिखना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा हमने लिखा पॉइंट आपका 3 अंक में 0 था तो ये हो गया, और चौथा पॉइंट लिखा हमने ये आपका प्रोसेस था तो आपका ये हो गया। इसका ये 4, इसका ये 4, इसका ये 4, और इसका ये 4, और इसका ये 4, और फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका जो मान होगा वो 4.4444 ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप फिर से देखेंगे कि इन सवालों को करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, बस आपको जोड़ना आना चाहिए कि इनकी जोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो आपको अगर आती है तो आप कर लेंगे। और जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे 4 जीरो लगाए थे, आप 4 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पर भी 4 जीरो करने, दशमलव के बाद वाले जो डिजिट के बाद के जीरो होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। आप देखिएगा इसका और इसका, अब आप देखिएगा बिल्कुल सीरियल से आ गए, आप देखिए आप 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 रहेगा, इसमें यह आपका यही रहेगा, इसमें यही, ये आपका क्रम से हमने प्रोसेस को समझाया और आप उसको देखिएगा कि बहुत ही सरल तरीके से। इसी क्रम में एक सिमिलरली एक और सवाल हम आपको लिख दे रहे हैं और आपको उसी आपको प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए करना है। आपका लिखा हुआ है अगला सवाल, जहाँ पर उसने कहा है आप देखिएगा फिर से आपके उसी सवाल की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि आपके इस टाइप के सवाल फिर सेम उसने यही कहा है कि आपको बताना है कि इसके जो मान होगा वो क्या होगा। तो हम आपके इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए लिखते बताते हैं कि सिमिलरली आपको उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को सॉल्व करना था। चूँकि हम ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं तो आशा करते हैं आप लोग करके देखिएगा, और जो आपके आर्ट वर्ग और बायो वर्ग के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं पूरा ये सवाल को सॉल्व करके फिर से दिखा रहा हूँ कि आप अगले जो क्वेश्चंस हम आपको सीट में उपलब्ध कराएंगे, आपको अगले सेशन से हम आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से इन सारी क्लासों को लाएंगे, और आपका पूरा पैटर्न होगा, आपका प्राइमरी लेवल का अलग पैटर्न होगा और जूनियर लेवल का पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर करते हुए लेके चलेंगे। वहाँ पर आपका एडवांस मैथ से लेकर जो भी आपकी प्रोसेस आपके आएगा वो सारी हम जो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। बात करते हैं इसकी, तो हमारा ये 45 ऐसा ही रहा। इसकी बात करते हैं तो 10 एक अंक बाद दशमलव, पीछे से दशमलव काउंट होता है, ये आपका हो गया। 20 तो पीछे से दशमलव काउंट करते हैं तो हमारा ये हो गया। 30 तो पीछे से काउंट करते हैं तो हमारा 0.045 ये देखो आपका हो गया पूरा। ये 4 जीरो हैं तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पीछे से काउंट करते 2 डिजिट ऑलरेडी थे, 2 और आपको 0 लगाना पड़ा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि बेसिकली बहुत से लोग इसका आंसर निकाल चुके होंगे। और हम आपको इसको फिर से उसी पैटर्न पर लगाते हैं, आपका 45 चूँकि 0 नहीं है, 4 अंकों तक गया था तो मैंने ये कर दिया, इसका दशमलव मुझे केवल सीध पे रखना हुआ है, बाकी इस डिजिटों को ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। और आप देखिएगा हम आपके उन्हीं संख्या सवालों को फिर से आपका दोहराते हुए ले चल रहे हैं। ये आपका हुआ, यहाँ पर आपका ये आपका 4.5 हुआ, और अगले वाले में आपका हो जाएगा 0.0045 आपका ये हो जाएगा। फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 4, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 9 आपका 9995 ये आपका आंसर आएगा। तो जहाँ तक इन सवालों को प्राइमरी लेवल की बात करें तो अक्सर हमने देखा कि बहुत ही नॉर्मली सवाल होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट को आपको केवल ध्यान देना होता है कि जो सवाल अक्सर सरल होते हैं उन्हीं सवालों के आंसर हमेशा बच्चा स्टूडेंट क्या करता है कि वो उसकी गलती कर देता है और सरलता सरल वाले सवालों को आंसर में गलत कर देता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, अगले सवाल में थोड़ा पैटर्न चेंज है और वहाँ पर इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, हम सेंटर टीटी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारे सवालों का यूज आपका कर रहे हैं। जैसे एक बार सवाल पूछा गया था शायद 2013 में ऐसा सवाल आया था, जहाँ पर उसने सिर्फ पैटर्न बदल दिया था। यहाँ पर हमने जो आपका ऑलरेडी लिख रखा हुआ है
उसने क्या लिखा था, पचास सेंटीमीटर प्लस पचास मीटर प्लस पचास किलोमीटर किलोमीटर का मान क्या होगा, अंकों में क्या होगा। या आप ऐसे सेंटीमीटर में किसके बराबर होगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप का एक सवाल पूछा गया हुआ है होगा। ज़रूरी नहीं कि सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाए, हो सकता है आपके किलोग्राम में दे दे, अदर्स यूनिट में भी दे सकता है। तो आप देखिएगा इसमें फिर से आप बात करते हैं, क्योंकि आपको यूनिट में क्या ध्यान रखना था, इसकी बात हो रही थी, सेंटीमीटर यूनिट की बात हो रही थी। तो अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, तो हमने 50 सेंटीमीटर वैसा ही 50 लिखा रहने दिया, सेंटीमीटर को मैं सीएम से प्रदर्शित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक जो मीटर होता है उसमें आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर हम देखें एक आपका एक मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, और एक आपके किलोमीटर की बात करें, एक किलोमीटर में 1000 आपके क्या होते हैं, आपके 1000 मीटर होते हैं। ये आपका सवाल दिया हुआ था, क्योंकि इस सवाल को अगर देखें तो हमने क्या लिखा था, 50 सेंटीमीटर, तो मुझे इसे चेंज नहीं करना था, इसे ही 50 का सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बना रहा, इसको चेंज करने पड़ा, मीटर की जगह मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना था, तो 100 का गुणा करना था, तो मैंने प्लस का 50 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, ये भी आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यहाँ किलोमीटर दिया था, और चूंकि एक किलोमीटर बराबर 1000 और एक मीटर बराबर आपके 100 सेंटीमीटर था, तो मैंने ये 50 लिखा, उसके किलोमीटर को मीटर में लाए, तो आपका 1000 का गुणा किया, और आपका जब हमने इसे सेंटीमीटर में बदला तो मेरा 100 का गुणा करना पड़ा। अब आपकी टोटल यूनिट जो है वो आपकी किस में चेंज होके आ गई है, आपके सेंटीमीटर में चेंज होके आ गई है, और जब टोटल यूनिट सेंटीमीटर में चेंज होके आ गई है, तो आपसे उसने इसका मान सेंटीमीटर में योग करके पूछा था, यानी कुल क्या मान होगा। तो ज़रा गौर करिएगा कि अगर यहाँ देखें तो आपका ये सबसे बड़ी यूनिट आपके 1, 3, 5, 1, 6, मतलब आपके ये हो गया 6 जीरो लगाने हैं इसमें, इस वाले में आपकी 3 जीरो लगानी हैं, 3 जीरो ये आपका हो गया, और इसमें आपकी 2 जीरो हैं। तो सेंटीमीटर में मान पूछा था, तो ये 0, ये 5, आपका ये 0, ये 5, और 0, 0 और 5, तो ये जो मान है यही आपका मान सेंटीमीटर में होगा। इस टाइप को आपको ध्यान रखना है कि आपके सवाल अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं, हो सकता है कि वो इस सवाल में फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिकली बताया है और इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, इसका यही होता है कि आप बेसिक में जितना अधिक सीखेंगे और उसी पैटर्न पर ही आपको इस सवालों को लगाना होगा। देखिए लिखा हुआ था 50 सेंटीमीटर 50 मीटर प्लस 50 किलोमीटर, तो हमें ध्यान ये रखना है कि सवाल में सेंटीमीटर में बात की है, हो सकता है कि अगर आपके ये सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में करता तो मीटर में पूछ सकता था। उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने सारे सवालों को आपको क्या किया, क्योंकि हमें पता था कि एक मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी सेंटरिटी में बहुत अधिक बार इस टाइप के सवाल पूछे गए, और इन सवालों को अक्सर आपका छोटा सा सवाल है, इन सवालों में आपका जो दे रखा होता है वंस टेंस और हंड्रेड्स और आपका थाउजेंड्स में आपका पूछता है, इसका मान ऐड करने का मतलब है, आपको अंकों में आपको दिया होता है, जैसे 11,111 का मान किसके बराबर होगा, या इस टाइप के सवाल आपके लिखे जाते हैं। तो इस सवाल को अगर देखें हम, तो 10 इकाइयां यूनिट्स मतलब होता है 1, टेंस मतलब होता है 10, हंड्रेड्स मतलब होता है 100, और आपका थाउजेंड्स हज़ारवा का मतलब होता है 1000। ये आपका बस इतना ही ध्यान रखना है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको सवाल को लगाना है। तो आपको ये इंग्लिश वाले जो हैं इसे यूनिट्स कहते हैं, यूनिट्स इसे कहते हैं टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, टेंस, और इसे कहते हैं हंड्रेड्स बोलते हैं, हंड्रेड्स, और इस वाले को आपका थाउजेंड्स बोलते हैं। ये आपका प्रोसेस होता है।
तो आप देखिएगा पहले लिखा हुआ था 10 इकाइयाँ, मतलब इकाई मतलब 1, 10 दहाइयाँ मतलब 10 × 10, 10 सैकड़ा, 10 100 आपका 10 सैकड़ा लिखा हुआ था, 10 मल्टीप्लाई बाई आपका 100, और लास्ट में आपका लिखा था 10 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो बस आपको इसी को ध्यान में रखे हुए आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, इसका मान तो 10 होगा, इसका मान 20 100 होगा, इसका मान 30 तो 1000 होगा, इसका मान अगर देखें तो 10 आपका 40 हो जाएंगे। जोड़ने का तरीका जो लोग अपना कर लेते हैं वो अपना कर लीजिएगा, जिनको इस टाइप के सवालों में लगाने में दिक्कत होती है तो वो ज़रा अपने इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। आपका जो बेसिकली हमने तरीका आपको सिखा रखा है और आप इससे भी आपको इसका करना होगा, तो आप देखिएगा एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा और एक आ जाएगा, यानी फाइनल जो आंसर इसका मान जो होगा 111 और आपका 0, ये आपका मान होगा। इस टाइप के सवाल अक्सर शुरुआती वाले दौर में जब आपका 2011 12 13 14 और 15 ये जो सेशन चला था, और इस सेशन में अक्सर आपके एक नंबर का सवाल यहाँ से पूछा ही पूछा गया है, और अब जो नए पैटर्न्स हैं तो वहाँ थोड़ा चेंजमेंट होके आने लगा, उस पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए हम अगले सवालों को लगाएंगे, परंतु इन सवालों को आपको देखना है कि कब उसका चेंजमेंट होता चला जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी सवाल में आपका अगला आपका सवाल है जहाँ पर पूछने का तरीका सेम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, 11000 11 को अंकों में लिखी या में क्या मान होगा, क्या मान होगा। आप देखिएगा हमने एक सवाल लिख रखा हुआ, ये आपका सवाल ये 2 से 3 बार पूछा गया है आपका इस जैसे सवालों को सॉल्व करने का। अब आप देखिएगा हमने जो आपके इससे पहले जो सवाल था वो बिल्कुल सेम सवाल था, यानी कहने का तात्पर्य जो इससे पहले वाला सवाल और ये सवाल में कोई चेंजमेंट नहीं है, बट आपको ये दिक्कत हो रही है यहाँ लिखा हुआ है 11000, ये अंक उसने शब्दों में लिख दिया। अक्सर आपके जूनियर लेवल में हमने देखा कि बहुत लंबी डिजिट लिखी होती है, उन्हें शब्दों में फाइंड करना होता है, और आपके प्राइमरी लेवल में शब्दों को अंकों में लिखना होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है 11000, तो मैंने 11000 लिख लिया, राइट। फिर लिखा 1100, तो मैंने 1100 लिख लिया, फिर मैंने लिखा 11, तो 11 लिख लिया। मैंने अक्सर देखा अगर मैं अभी आपसे कहें कि एक सेकंड आपका 15 सेकंड या 20 सेकंड में आंसर देना हो, तो अक्सर आदमी क्या करता है कि स्टूडेंट क्या करता है कि उन सवालों को आपका ध्यान में ना रखते हुए सीधा सीधा 1111 करके लिख देता है, बट ये प्रोसेस ऐसा नहीं है, ऐसे सवाल नहीं आते कि जनरली आप सवाल देखिए, देखिए लिखा हुआ था 11000 1100 11 लिखा था। हमने आपको एडिशन करना सिखाया था, मैंने कहा था कि आप ऐसे सवालों में हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको सवाल का आंसर एक्यूरेट निकालना है तो उसको ध्यान में पैटर्न में रखते हुए लिखेंगे। तो इसका मान 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इस वाले का भी 1 हो गया, और इस वाले का 2 हो गया, ये आपका हो गया। आप ज़रा देखिएगा मैंने बोला था 11000 1100 11, और उसने कहा इसका मान अंकों में निकालिएगा, तो आपका 1115 बार नहीं लिखना था, यहाँ देखिएगा इसका मान जो लिखना था वो कितना लिखा जाएगा, 12111, ये राइट आंसर होगा इसका। तो आपको सवालों को अक्सर यही ध्यान में रखते हुए करना होगा कि आपको कब कैसे सवाल पूछा जाए, उस पैटर्न पे ही ध्यान में रखते हुए आपको सवाल करना है। आई होप इन आपके पैटर्न का जो सवाल हमने प्राइमरी लेवल के आज जो क्वेश्चन पढ़ाए और सभी को समझ में आए होंगे। अगर किसी को अभी भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके पैटर्न आगे चल के और भी बदलते चले जाएंगे, कि आपके इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि किसी के पास चॉकलेट हैं या किसी के पास आपके केले हैं या आपकी टॉफियां हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो शेष टॉफियों की बात करता है, तो वो हम आपके अगले यूनिट में लेके आएंगे। आशा करता हूँ आपका ये सेशन आपको बहुत ही पसंद